दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखना चाहते हो मैच में तो दोबारा क्लिक करें। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब हिंदुस्तान को मिला है इंसाफ, बहुत जल्द दोबारा शुरू होने वाला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला। ICC ने करोड़ों हिंदुस्तानियों को दोगुनी खुशी देते हुए फाइनल दोबारा करने का ऐलान तक कर डाला है। तो आखिर कैसे बेईमानी की जंग में सच्चाई की भी जीत, कैसे ICC छीनने वाली ऑस्ट्रेलिया से उनके विश्व विजेता की ट्रॉफी, कब खेला जाएगा दोबारा से इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल, कितने ओवरों का होगा यह रोमांचक मुकाबला, सोशल मीडिया में वायरल इस खबर को तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्या, रोहित और विराट में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों 2023 का विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था, जस्ट मनाकर वे अपने देश को लौट भी गए, लेकिन अब यही जीत उनके लिए गले की हड्डी बन चुका है। जहां इस वक्त सोशल मीडिया में एक दावा बहुत तेजी से किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच का फाइनल दोबारा होने जा रहा है और इसके पीछे की बड़ी वजह ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी है। दरअसल फाइनल के उस मुकाम पर ट्रेविस हेड ने कप्तान रोहित का कैच छोड़ दिया, रोहित शर्मा नॉट आउट थे, यह बात जैसे ही पूरी दुनिया को पता चली करोड़ों हिंदुस्तानियों ने जमकर विद्रोह किया। ICC से अपील कर नारेबाजी हुई, उन्होंने अपनी गलती मानने को मजबूर करने जाने लगा और आखिर वो भी क्यों ना हमारे साथ गलत हुआ था। तो ऐसे में अब यह बात ICC के कानों में पहुंची तो BCCI की इस अपील पर उन्होंने तुरंत इसके खिलाफ जांच बैठा दी और हाल ही में वह जांच खत्म हुई। भारत की जीत के साथ एक और खुशी सभी के लिए निकल कर सामने आई है। जी आपको बता दें सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया को दोषी पाया गया है। ICC का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट खूब वायरल हो रहा है, इसके हिसाब से मिली जानकारी के मुताबिक इसमें सारी गलती एम्पायर्स की बताई गई है क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे रोहित शर्मा को आउट दे दिया और उनके विकेट को थर्ड एम्पायर द्वारा चेक ही नहीं करवाया गया, इस कारण रोहित शर्मा आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया ने यहां तक कोई नियम भी नहीं तोड़ा। तो ऐसे में अंपायर के खिलाफ अपना केवल कड़ा एक्शन लेने का वादा ICC ने BCCI से किया, बल्कि अब तो उन्होंने यह भी ऐलान किया कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल दोबारा बहुत जल्द करवाने जा रही है। BCCI पूरे तरीके से प्रेशर बना रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से ट्रॉफी छीन कर मुकाबला दोबारा कराया जाए और इस बार नए एम्पायर्स के साथ यह फाइनल दोबारा शुरू हो चुके। और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई है, भारतीय फैंस के लिए रात की खबर तो यह है कि 26 नवंबर की तारीख को ICC ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच का फाइनल करवाने का प्रस्ताव पहले ही पास कर चुकी है और बहुत जल्द कम से कम समय में वह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला शुरू होते देख भी सकती है। हालांकि इसका फैसला केवल एक मैच से नहीं बल्कि 3 मैचों के वनडे सीरीज के प्रकार से लिया जाएगा, जिसका एक मैच फाइनल में पहले ही हो चुका है, वहीं दूसरा मुकाबला 26 नवंबर को खेला जा सकता है, तो इसकी उम्मीद पूरी मानी जा रही है। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत लंबी मानी जा रही है लेकिन यह तो निश्चित हो चुका है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। उसके बाद तीसरा वनडे मुकाबला भी बहुत जल्दी आयोजित किया जाएगा और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होने वाली 5 T20 मैचों की सीरीज पोस्टपोन हो चुकी है और पहले यह 2 वनडे मैच खेले जाएंगे। जो भी यह सीरीज अपने नाम करेगा उसे वर्ल्ड कप का चैंपियन माना जाएगा, जिसकी शुरुआत दोपहर 2 बजे से होने वाली है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है जहां भारतीय खिलाड़ियों के पास भी मौका रहेगा खुद को साबित करने का और ऑस्ट्रेलिया को दिखाने का कि असली वर्ल्ड कप का हकदार कौन है और इसे कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। यानी कि यदि यह फाइनल दोबारा होता है तो यह पहली बार से भी बड़ा होगा और उस पर पूरी दुनिया की नजरें रहने वाली। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया बेईमानी से हमसे यह फाइनल मैच जीती है, क्या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल दोबारा कराना चाहिए, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।